थॉर्नडाइक का सिद्धांत अगर कोई गलत लिखा है तो कोई बात नहीं, बस समझने के लिए है, ठीक है ना। स्पेलिंग्स गलत होती हैं, सभी से होती हैं, मैंने भी यहाँ पर की है। देखिएगा, थॉर्नडाइक का सिद्धांत आपको, पावलाव का सिद्धांत, स्किनर, बाइगोस्की, पियाजे, कोहलर, फ्रायड, कोहलवर्ग एंड यहाँ पर क्या है, मैकड्यूगल, मैकड्यूगल की 14 प्रवृत्तियाँ। भाई मेरे, एक सिद्धांत, दो सिद्धांत, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, कितने हैं, नौ सिद्धांत ये हैं। नौ सिद्धांत से मैं वादा करता हूँ आपके 12 से 13 क्वेश्चन फंस जाएंगे। और नौ सिद्धांत को मैंने कितनी भैया, मैंने 10-10 मिनट की वीडियोस को ख़त्म किए, यानी पूरे अगर मिला के देखा जाए 90 मिनट में आप इन चीज़ों को देख सकते हो, ठीक है ना, 90 मिनट में देख सकते हो दोस्तों, इतनी फास्टली से मैंने किया है। नीचे आपको लिंक मिल जाएगी सबसे पहले, ठीक है। मनोविज्ञान अब खत्म हो गया, इनसे आना है तो आना ही है, हमेशा आता है। अब हम बात करते हैं कैसे, अब हम बात करते हैं पर्यावरण में पूरे नंबर कैसे लाएंगे सर। पर्यावरण में पूरे नंबर लाने के ये दो टिप्स। पहला टिप्स देखिएगा, पॉलिटी के 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना, जो आपने खूब किए होंगे और मैं रोजाना इनको करवा रहा हूँ, ठीक है, परेशान मत होना। ओजोन का 1 क्वेश्चन और ज़्यादा से ज़्यादा 2 क्वेश्चन, भारत का भूगोल, ठीक है ना, इससे जो है नॉर्मल के 3 प्रश्न आएंगे, ठीक है ना, समझ रहे हो, जो जिला दर्रा कहाँ पर है, ये चीज़ें कहाँ पर है, ऊंची चोटी कहाँ पर है, ठीक है ना। कृषि से 1-2 क्वेश्चन, जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी जिसको इंग्लिश में कहते हैं, कब मनाया जाता है, ठीक है ना, 21 मई को, ठीक है ना, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। जैव विविधता सबसे ज़्यादा पृथ्वी पर कहाँ है, या फिर भारत में सबसे ज़्यादा जैव विविधता कहाँ पर है, या फिर केरल किसके लिए प्रसिद्ध है, शांति घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों ये जैव विविधता वाले पोर्शन है, प्लेलिस्ट आप चेक करना, पता चल जाएगा। दिवस क्या है, दिवस से 2 क्वेश्चन आएंगे, मिनिमम 1, ज़्यादा से ज़्यादा 2 क्वेश्चन। जल दिवस कब मनाया जाता है, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है ना, और यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, उनको भी ट्रिक से कराया। वायुमंडल के 2 से 3 क्वेश्चंस, बोले आयन मंडल में कि क्या प्रसिद्ध है, समताप मंडल में जहाज उड़ते हैं, कहाँ पर उड़ते हैं, ठीक है ना, ऐसे पूछ लेगा। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है, ऐसे क्वेश्चन। मानव रोग से टाइफाइड किससे होता है, हैजा किससे होता है, विषाणु की खोज, जीवाणु की खोज किसने करी, ऐसे क्वेश्चन, ठीक है ना। पौधों से क्वेश्चन कैसे, क्लोरोफिल पाया जाता है, या फिर घटपर्णी पौधा, इस टाइप के पौधे से क्वेश्चन आ जाएंगे। जल आपको पृथ्वी पर जल पूछ लेगा, जल से हानिकारक रोग, प्रदूषण, पॉल्यूशन से आ जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है ना। ग्रीन मफलर क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिया। मानव बॉडी से प्रश्न पूछ लेगा, और वन से, और लास्ट में एक मिट्टी भी आता है, और एक आदि करेंसी पूछ लेगा आपसे, और एक आदि आपसे कैपिटल पूछ लेगा, और एक आधा आपसे क्या पूछेगा, गंगा के किनारे बसे शहर या नदियों के किनारे बसे शहर। मेरी बात समझ लेना, ये टॉपिक आपको थोड़े थोड़े देख लेने 10-10 मिनट की वीडियो में। अगर अब हम बात करते हैं पर्यावरण में दूसरा टिप्स, आपको पूरे में पूरे नंबर चाहिए तो आपने आधा पोर्शन ऊपर कंप्लीट कर लिया, बचा आधे पोर्शन से ज़्यादा ऊपर कवर कर लिया, थोड़ा पोर्शन जो बचा है वो पेडागोजी का आएगा। आप पर्यावरण किस तरीके से बच्चों को पढ़ाएंगे, आप पर्यावरण के लिए कैसे जो है ज़्यादा समझ रुचि बच्चे लें, तो क्या आप करेंगे कक्षा में, किस तरीके की आप गतिविधियाँ करेंगे जिससे बच्चे कैसे हों। तो मैंने कहा नकारात्मक को तुरंत हटाओ, सकारात्मक आंसर लगा दो आँख बंद करके, ठीक है ना, बिल्कुल। अगर अब हम बात करते हैं हिंदी में, हिंदी में पूरे नंबर में क्या आपको लास्ट टाइम पढ़ना है, देखिएगा, चुनिंदा चीज़ें केवल जो आएंगी हमेशा ही आती हैं। जैसे मैं बात करता हूँ समास, 1-2 क्वेश्चन, पिछली बार भी 2 क्वेश्चन आए थे, इस बार भी 2 क्वेश्चन, पिछली बार तो मुझे लगता है 3 क्वेश्चन थे, ठीक है ना। संधि से 2 क्वेश्चन आते ही हैं, एक आपका आएगा एक संधि विच्छेद या वर्ण विच्छेद, और एक आपका आएगा अयादि संधि के कौन सी है, वृद्धि संधि, यड़ संधि, दीर्घ संधि कौन सी है। तो मैंने ऐसी ट्रिक बनाई है गजब की, तो देखते ही खन पहचान जाओगे, बस प्लेलिस्ट चेक कर लेना। दूसरा तत्सम तद्भव 2 क्वेश्चन, वाच्य 2 क्वेश्चन, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, कृत्यवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, पुरलिंग और स्त्रीलिंग पहचानने के 2 क्वेश्चन, विलोम 1, ठीक है ना, और यहाँ पर अशुद्ध और शुद्ध जो है बर्तनी आएगी 1-2, और पैसेज से 5 क्वेश्चन। पैसेज का मतलब समझ रहे हो ना, पैसेज क्या होता है, एक आपको पूरा दे देगा सारांश और उससे 5 क्वेश्चन पूछेगा, बस उसी में ढूंढना होगा, ये तो सबसे सरल होता है। और 3 से 4 क्वेश्चन आपके आएंगे कृतियाँ से, और एक सकर्मक अकर्मक से आएगा, एक पूर्व क्रिया जो है आ सकता है पूर्वकालिक क्रिया से, प्लस क्या है पेडागोजी क्वेश्चन आएगा। दोस्तों कितनी आसान है, अगर इतने वर्ड हम एक ही घंटे में खत्म कर लें तो बताओ चीज़ें कितनी आसान है, कुछ ज़्यादा नहीं देना देखना है। और रोजाना यहाँ पर पूरे दिन आपको, पूरी रात यहाँ पर आपका मैथ से लेकर सारी चीज़ें पूरी तरीके से हैं। जब हम शिक्षक भर्ती की बात करते हैं तो हम भैया हर प्रश्न पर, हर सब्जेक्ट पर हमारा नज़र रहता है कि आयोग कैसे पूछ सकता है। इसलिए कोई भी बंदा है अगर सिलेक्शन चाहिए तो सब्सक्राइब कर लेना भैया, बिना पेन की मैंने मैथ। अब मैथ की बात करते हैं, मैंने बिना पेन के कुछ वीडियो डाले हैं, या बिना पेन का मतलब है कि पेन उठाना ही नहीं है, ऑप्शन एकदम से देख के मार देना है। आप चाहें तो एक बार देख सकते हो, और मैं रोजाना करा रहा हूँ। एक क्वेश्चन आपका आएगा जातीय मान, स्थानीय मान, और ज़्यादा से ज़्यादा 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। एक क्वेश्चन सिंपल स्थानीय मान से पूछ लेगा, एक जाति स्थानीय मान से अंतर पूछ लेगा, ठीक है ना। कथन,
संख्या से आएंगे, यानी कथन स्टेटमेंट होते हैं कि ये जो है कौन सी जो है पूर्ण वर्ग संख्या ये होती है, क्या ये सत्य है, ये होती है, क्या पहला दूसरा सत्य है, दूसरा तीसरा सत्य है, तो यानी इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। दूसरी चीज़, एक और टिप्स है कि अगर ना आए तो सभी चैप्टर के सिलेबस के एग्जाम्पल्स देखकर सबसे पहले मैथ को लगाओ। 10-10 सवाल सभी चैप्टर के पहले सिलेबस पूरा देखो कि भैया यूपी टेट में कार्य समय दूरी अनुपात औसत CISI से ये एक एक क्वेश्चन हमेशा आएगा इससे 100%। आपको करना क्या है, मैथमेटिक्स नहीं आ रहा है बिल्कुल भैया मेरे भाई, सबसे पहले कुछ वीडियोज डालिए उनको देखिएगा, ठीक है ना। इसके अलावा क्या करना है, पैडागोजी आप सॉल्व करिएगा। सबसे सिंपल तो यही है कि मैथ की पूरी पैडागोजी खत्म कर लो, ठीक है ना। और उसके बाद जो सवाल बचते हैं 10-10 प्रश्न सबके लगा डालो भाई मेरे, मैं वादा करता हूँ। और मैं ऐसी वीडियोस ला रहा हूँ जो ऑप्शन से ही करवा दूंगा, ऐसी ट्रिक्स जो बिल्कुल दिमाग में लगानी नहीं है भाई। सिलेक्शन हमें चाहिए, हमें रिश्तेदारों, परिवार और गांव वालों को और बगल वालों को मुझे जवाब देना है ना, मुझे क्या आपको जवाब देना है, समझ रहे ना मेरी बात, कि भैया सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ। क्योंकि लोग गिराने के लिए आते हैं आपसे, बस इतना ही पूछेंगे और भैया क्या रिजल्ट रहा। दूसरी चीज़ लास्ट में बचता है, संस्कृत इंग्लिश को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करें। सबसे पहले बेसिक रूल्स आपको आना चाहिए। संस्कृत वाले भैया ये समझ लीजिएगा कि हिंदी के कॉमन टॉपिक होते हैं, आपका आधा हिंदी तो वहीं से क्लियर हो जाएगा संस्कृत से ही, हिंदी और संस्कृत, समझ रहे। और दूसरी चीज़, संस्कृत में आपकी सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात यह है कि 2-3 आपकी कृतियाँ आती हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। 2-3 आपके श्लोक आते हैं, वहाँ से आपका चेंजमेंट होता है। बेसिक रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ रहे ना मेरी बात। अब बात आती है इंग्लिश, इंग्लिश की बात ये आती है कि नाउन से लेकर आपको कंजंक्शन तक इतना इम्पोर्टेंट है। मैंने आपको ये बताया है कि भैया नाउन और कंजंक्शन से लेकर आपके 10-12 क्वेश्चन हो जाएंगे क्लियर। भाई पिछला पेपर उठा के देखो, मैंने एक वीडियो भी डाली है कि वहाँ से आपका 10-15 नंबर पूरा सॉल्व हो जाएगा, केवल एक वीडियो मैंने इंग्लिश की। दूसरी चीज़ आपको टेंसेस, टेंस को पहचानना है कि निगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस, बेसिक रूल्स। भैया पिछला पेपर उठा के देख लो कि मज़ा आ जाएगा, क्योंकि आप कहोगे कि सर ये क्या बता रहे। आप अगर देखोगे तो मज़ा आ जाएगा, क्योंकि हम तो पूरे दिन यहीं पर शिक्षक भर्ती में ही लगे रहते हैं, एक एक क्वेश्चंस पता है कि क्या आयोग पूछने वाला है, ठीक है ना। बस क्वेश्चंस का तरीका चेंज हो जाएगा कि इस बार कथन स्टेटमेंट डाल देगा, ठीक है ना, कोई बात नहीं। जो गलत हो रहा है उसको नोट करें फटाफट।